स्टूडेंट, आज हम जीएम काउंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, दिस इज ए सिलेंडर मेड ऑफ कॉपर। रेड कलर से मैंने सेंट्रल वायर दिखाया है एंड दिस इज द ग्लास ट्यूब जिसमें कि कवर किया गया है सिलेंडर और सेंट्रल वायर को। दिस इज द वोल्टेज कनेक्टेड, कैथोड इज मेड नेगेटिव एंड एनोड इज मेड पॉजिटिव। वोल्टेज टेकन इज अप्रोक्सीमेटली 1000 volts. This is the stray capacitance built up in this circuit due to the earthing and this is the resistance applied. क्योंकि resistance अगर हम apply करते हैं तो हम quenching process externally कर सकते हैं, internally भी हम quenching process इसमें करते हैं। तो इसमें argon को डाला जाता है कैथोड के अंदर, आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन की डेंसिटी हाई हो जाती है जिसके कारण मोर नंबर ऑफ आयंस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड आर्गन के साथ इसमें आर्गन के एक्साइटेशन प्रोसेस को क्वेंच करने के लिए इसमें फिलअप की जाती है पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होता, इसमें पॉलीएटॉमिक रखा जाता है। वैसे तो जो ये पॉली ये जो क्वेंचिंग मटेरियल लिया जाता है, क्वेंचिंग मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, ये भी डिपेंड करता है, इन सब की अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि अगर एमाइल एसीटेट इसमें डाल दिया जाए तो एमाइल एसीटेट क्या करेगा, लॉन्गर यूजफुल लाइफ तो रखता है एमाइल एसीटेट, बट ये रिजोल्विंग टाइम को स्लो कर देता है, स्लो रिजोल्विंग टाइम देगा। तो इसी तरह ये वैरी कर जाती हैं कुछ प्रॉपर्टी। कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि अच्छी लाइफ टाइम अच्छा देंगे, रिजॉल्विंग टाइम कम दे देंगे। कुछ ऐसे होंगे कि जो एक्सटेंड तो कर देंगे लाइफ टाइम को, लेकिन जो प्रोसेस है रिकवरी टाइम का उसको अनलार्ज कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम एक्सटेंड करने के लिए ब्रोमीन का भी यूज किया जा सकता है आर्गन के साथ। अल्कोहल को यूज़ करने के बजाय ब्रोमीन को यूज किया जा सकता है। सेकंड थिंग, अगर इसमें लो पेनिट्रेटिंग पावर की रेडिएशंस को डिटेक्ट करना है, जैसे अल्फा बीटा और गामा तीनों की पेनिट्रेशन अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो ग्लास के अंदर जो मटेरियल लिब्रेट किया गया है, जो इसमें लेयर चढ़ाई गई है सिल्वर की, उसको भी वैरी करके पेनिट्रेटिंग जो पावर है इस चैम्बर की वो इंक्रीज की जा सकती है। तो जैसे कि अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट करवाने के लिए बहुत ही थीन विंडो बनानी पड़ेगी, या तो माइका की बनाएंगे या सेलोफेन की बनानी पड़ेगी या ग्लास की होगी, जिसकी थिकनेस, मतलब कि जो ये मटेरियल लिब्रेट किया है अंदर की तरफ, उसकी थिकनेस, उसकी जो डेंसिटी है वो भी बहुत कम रखी जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 2 mg/cm³ आप कह सकते हो कि वो रखी जा सकती है फॉर अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन। अगर बीटा पार्टिकल को डिटेक्ट करना है तो कैथोड के अंदर कार्बन को डिपॉजिट करवाया जाएगा। कार्बन को जब अगर कैथोड के अंदर डिपॉजिट करवा दिया तो उससे क्या होगा कि जो बीटा पार्टिकल है उसको किसी भी एंगल से हर डायरेक्शन में कैथोड के उसको कैच कर सकता है वो चैम्बर के इनसाइड में, ड्यू टू द कार्बन कोटिंग इनसाइड द कैथोड। इसी तरह गामा रे को इंजेक्ट करवाने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस ये होता है। तो हर एक रे की डिटेक्शन के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन है उसमें स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस आ जाते हैं, और उसी हिसाब से जो ट्यूब की जो लेंथ है ये भी वेरी कर सकती है। इसकी जो वेरिएशन है लेंथ में वो 0.3 cm से लेकर, आप देखिए, 1 cm से लेकर 100 cm तक हो सकती है। इसका जो डायमीटर है वो भी 0.3 cm से लेकर 10 cm तक हो सकता है। इसी तरह जो सेंट्रल वायर है, सेंट्रल वायर की जो थिकनेस है वो भी 2 × 10⁻³ से लेकर 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर तक वेरी कर सकती है। तो ऑल डिपेंड ऑन द वर्किंग की हमें किस टाइप की वर्किंग अपने काउंटर से चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग। अब हम वर्किंग देखेंगे।
जीएम काउंटर की, जीएम काउंटर की वर्किंग समझाने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग के रीजन से लेकर जीएम रीजन तक सारा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखिए, जब एक चैम्बर बनाया जाता है, दिस इज कैथोड चैम्बर इन विद द ब्लैक वॉल्स एंड रेड लाइन इंडिकेटिंग द सेंट्रल वायर, और इसके अंदर हम लेते हैं गैस। ये जो यहाँ पर प्लस और इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, ये रेडिएशन के इंसिडेंट करने के बाद जो गैस का डिस्चार्ज हुआ है वो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव आयन को ब्लू कलर से और इलेक्ट्रॉन को रेड कलर से शो किया है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वोल्टेज बहुत लो होती है, व्हेन वोल्टेज इज लो, वोल्टेज जब बहुत ज़्यादा कम है तो मतलब कि वोल्टेज इतनी कम है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन को डायरेक्शन भी नहीं दे सकती, मतलब इतना फोर्स नहीं दे सकती कि जो वोल्टेज यहाँ कैथोड पर है नेगेटिव वोल्टेज और सेंट्रल वायर पर है पॉजिटिव, तो इस ये वोल्टेज इतनी कम है कि इसको सेंट्रल वायर को इसने इतनी पोटेंशियल नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, और कैथोड को इतनी पोटेंशियल नहीं दी कि इसने पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींच लिया हो। तो फिर होगा क्या, अगर वोल्टेज बहुत कम होगी तो इनको डायरेक्शन नहीं मिली अपने इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए, क्योंकि उनकी पोटेंशियल इतनी उनको एक्सटर्नल वोल्टेज से नहीं मिल रही। तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्बिनेशन इनका हो जाएगा, ये रिकम्बाइन हो जाएंगे, दे विल गेट रिकम्बाइन विद ईच अदर। तो इस केस में ये जो चैम्बर है ये हमारा हो जाता है आयन रिकम्बिनेशन रीजन, जो कि हमारा सबसे पहला रीजन होता है अपने डिटेक्टर में। उसके बाद जब मान लीजिए अब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया गया है, वोल्टेज को इंक्रीज किया गया है कि पहले से उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है वोल्टेज की, अब वोल्टेज हमने बाहर से इतनी दे दी है कि इस एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन को दे सकती है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो क्या होगा, जो ये आयन और इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं रेडिएशन के डालने के बाद गैस पे, तब ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, और ये इतना रैपिड प्रोसेस होगा ये वोल्टेज के इंक्रीज होने के कारण कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, और सारा जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर चला जाएगा, और जिसके कारण जो हमने एक आउटपुट सर्किट अपना क्लोज सर्किट तैयार किया हुआ है उसमें हमें हमारे पास एम्पलीफायर में पल्स मिल जाएगी, वी गेट द पल्स। तो इस केस में ये जो पल्स की हाइट होती है वो स्टार्टिंग आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है कि स्टार्ट में जब रेडिएशन गैस को मिली है उसमें गैस का जब डिस्चार्जिंग एक्शन गैस का हुआ है तो उसमें कितने आयन पेयर फॉर्म्ड हुए हैं, उन आयन पेयर की संख्या पर ही पल्स हाइट डिपेंड करेंगी, क्योंकि वो आयन पेयर एक्सटर्नल वोल्टेज के कारण सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो उसका वोल्टेज का रोल रह गया वो बस ये हो गया कि उसने इनको डायरेक्शन दे दी कि इलेक्ट्रॉन को किस इलेक्ट्रोड पर जाना है और पॉजिटिव आयन को किस इलेक्ट्रोड पर जाना है। तो एक सैचुरेशन स्टेज आ जाती है, क्योंकि मान लीजिए अगर मान लीजिए कि 50 इलेक्ट्रॉन और आयन पेयर बने हैं और 50 के 50 अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंच चुके हैं, तो 50 के कोरस्पोंडिंग जितना करंट होगा वो एम्पलीफायर में जितनी पल्स बनेगी वो हमें मिल जाएगी। तो मीन्स एक सैचुरेशन रीजन बनता है एंड दिस इज नोन एज द आयनाइजेशन चैम्बर रीजन, इस रीजन को आयनाइजेशन चैम्बर रीजन कहते हैं। अब आयनाइजेशन चैम्बर रीजन से भी हम बाहर आ जाते हैं, अब हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। अगर हमने अब वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, मतलब आयनाइजेशन चैम्बर में जितनी हमने वोल्टेज अप्लाई की थी उससे ज़्यादा वोल्टेज अब हम दे रहे हैं चैम्बर को, तो हमने इसको
और ज़्यादा वोल्टेज दे देनी है. मीन्स वोल्टेज इज नाउ सफिशेंटली हाई दैट इट कैन प्रोड्यूस द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन. सफिशेंटली हाई वोल्टेज हमने अब चैम्बर को दे दी है जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को भी प्रोड्यूस कर सकती है. तो जब आयनाइजिंग रेडिएशन है, इसने गैस एटम्स को डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रॉन और जो हैं पॉजिटिव आयन बन गए हैं. तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन हैं, जो स्टार्टिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको हम ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो प्राइमरी आयनाइजेशन से मिले हैं, प्राइमरी आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन इतने प्रोड्यूस हो गए और साथ में प्रोड्यूस हुए पॉजिटिव आयन. ब्लू कलर से मैं पॉजिटिव आयंस दिखा देती हूँ. पॉजिटिव आयन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उनकी मोबिलिटी जो है कम होगी, मतलब उनका जो मोशन है, वेलोसिटी है उनकी, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कैथोड पर पहुँचने की, वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. तो जब वोल्टेज बहुत हाई होती है तो इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि हमने वोल्टेज सफिशेंटली हाई अप्लाई कर रखी है, सफिशेंट वोल्टेज है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, इनके रास्ते में ये गैस मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है. ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे जब तक टोटल गैस का आयनाइजेशन तो होता नहीं है एक बार में. तो क्या होगा कि दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस एनोड देन दे कोलाइड विद दीज गैस मॉलिक्यूल्स. अपने पाथ में ये इन गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से ये और इलेक्ट्रॉन और आयन को प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर बहुत ज़्यादा चार्ज यहाँ पर एनोड पर, इलेक्ट्रॉन अगर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो गया है एनोड पर, तो वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर आएगा. तो इट मीन्स वी गेट द हाई करंट, और अगर करंट पड़ता है तो जो वोल्टेज पल्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर हमें आयनाइजेशन चैम्बर में इतनी पल्स मिली है, तो हमें जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन या मल्टीप्लिकेशन रीजन जब बन गया है, बहुत संख्या में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो करंट भी बढ़ेगा और हमारे पास जो पल्स का साइज होगा वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द आयनाइजेशन चैम्बर. तो प्रोपोर्शनल काउंटर में हमारे पास ये जो पल्स हाइट है, ये जो पल्स हाइट प्रोड्यूस हुई है, दिस पल्स हाइट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल विद द एनर्जी ऑफ दिस आयनाइजिंग रेडिएशन. एंड दिस, ये जो जब एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक चेन प्रोसेस चल पड़ा है कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स अब हाई वोल्टेज जो हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखी है, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, अब वो टर्शरी को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो आगे और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे. तो जो चार्ज है वो एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हमें यहाँ पर उसका मिल जाता है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं. तो ये जो इफ़ेक्ट होता है, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाता है एनोड के किसी किसी पॉइंट पर. हम ये नहीं कह सकते कि पूरे एनोड वायर पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, पर कुछ पॉइंट्स एनोड में ऐसे बनते हैं जहाँ पर कि चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो एक स्टेबल कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लेता है. ये सारा प्रोसेस आयनाइजेशन चैम्बर का और प्रोपोर्शनल काउंटर का आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं, इसकी उनकी डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें इस वीडियो में डाली हुई है. तो अब हमें ये देखना है कि इससे आगे जो टाउनसेंड एवलांच में जनरेट हुई है, उससे आगे अब वो गीगर रीजन में किस तरह से कन्वर्ट होती है. तो गीगर मुलर काउंटर में हम पल्स फॉर्मेशन देखेंगे कि अब जब हम जीएम काउंटर की वोल्टेज तक आ चुके हैं, मतलब एक गीगर रीजन बन चुका है, तो वो कैसे बनता है. तो ये जो सिलेंडर है और
ये है सेंट्रल वायर। सेंट्रल वायर का मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास सिलेंडर का, ये सेंट्रल वायर का। तो यहाँ भी मैं ऐसे दिखा रही हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का और ये है हमारे पास सिलेंडर का, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टाउनसेंड एवलांच के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया। टाउनसेंड एवलांच प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, हमने वोल्टेज और ज़्यादा हाई पोटेंशियल अब वोल्टेज की हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द काउंटर। हाई पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि पहले जो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ था एनोड के किसी किसी पॉइंट पर हुआ था, अब वो पूरी एनोड वायर में स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा चार्ज ऑन होल एनोड वायर। सबसे पहला ही फैक्ट जो हम यहाँ पर देखेंगे इन द गीगर रीजन। तो जब ये एक स्प्रेड हो जाएगा, जो बहुत कम टाइम में स्प्रेड होगा ये सेंट्रल वायर पर, इतना कम टाइम में स्प्रेड होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी वायर पर स्प्रेड हो चुके हैं, उनका एक्यूमुलेशन हो चुका है, लेकिन जो हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन हैवी चार्ज होने के कारण, उनकी मोबिलिटी लेस है, हैवी मास होने के कारण, तो जिसके कारण वो अभी कैथोड तक नहीं पहुँचे हैं। उनको कैथोड तक पहुँचने में टाइम लगेगा, पर इलेक्ट्रॉन क्विकली एक्यूमुलेट हो चुके हैं ऑन द सेंट्रल वायर। जब एक इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज़्यादा सेंट्रल वायर में पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमें एक नेगेटिव चार्ज के कारण सिंगल पल्स यहाँ पर मिल जाएगी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें वो सिंगल पल्स मिल जाएगी एक बार जब एनोड वायर पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे, दे फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, वो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर जाएंगे एंड वी गेट द एक्सटर्नल पल्स ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। उसके बाद क्या होगा, तो जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव शीट बनी है, लेट अस कंसीडर कि ये जो पॉजिटिव शीट है ये किसी टाइम पर इस एनोड के क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब इस पूरे जो कैथोड सिलेंडर है उसके बिल्कुल सेंटर में है, उस वक्त जब हमें ये नेगेटिव सिंगल पल्स मिल रही है नेगेटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण, उस वक्त हमारी जो पॉजिटिव शीट है वो बिल्कुल सेंटर पर है। तो ये यहाँ पर ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया एनोड का, एंड ये ले लिया पॉजिटिव आयन शीट का, और ये ले लिया अपने कैथोड का। तो अब हम इस एरिया के हिसाब से पहले कैलकुलेट करते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम देखेंगे कि पल्स फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहाँ पर अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है फॉर द सेंट्रल वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया सेंट्रल वायर का, और ये पॉजिटिव आयन शीट जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन कह सकते हैं, ये हो गया इसका फील्ड अक्रॉस द सेंट्रल वायर। ये अब ये इस पॉइंट तक पहुँचा है, एंड दिस इज द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैथोड जिसको हम कह सकते हैं। तो इफ दिस इज हैविंग द रेडियस ऑफ दिस सेंट्रल वायर इज, लेट अस कंसीडर ए इज रेडियस ऑफ सेंट्रल वायर, सेंट्रल वायर का रेडियस है ए, एंड रेडियस ऑफ फ्रॉम दिस सेंटर टू द पॉजिटिव आयन शीथ, इसका रेडियस है मान लीजिए आर नॉट, एंड रेडियस ऑफ फ्रॉम सेंटर टू द कैथोड वाल, मतलब कि जो कैथोड चैम्बर है उसका रेडियस हो गया बी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड एंड आउटसाइड द शीट, कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है, आउटसाइड में E2 है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इवन कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इवन विल बी, अगर यहाँ पर हमें एक चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, तो मान लीजिए स्मॉल चार्ज क्यू इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द सेंट्रल वायर, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन सेंट्रल वायर, सेंट्रल वायर पर चार्ज यूनिट लेंथ है स्मॉल क्यू, एंड पॉजिटिव आयन शीट पर है कैपिटल क्यू चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इन स्पेस चार्ज रीजन। पॉजिटिव आयन शीट को हम क्या कह सकते हैं? स्पेस चार्ज रीजन। तो ये चार्ज हमने इन पर कंसीडर कर लिया, तो स्मॉल क्यू के कोरिस्पोंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इनसाइड द पॉजिटिव आयन शीट क्या होगी? क्यू बाय 2πε r, हम कूलम पोटेंशियल से जो कैलकुलेट करते हैं, एंड E2 आउटसाइड द पॉजिटिव आयन शीट क्या होगी? दैट इज क्यू प्लस क्यू, टोटल इफेक्ट लेंगे हम चार्जेस का आउटसाइड में, एंड 2πε r। तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पॉजिटिव आयन शीट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पॉजिटिव आयन शीट। यहाँ तक स्मॉल क्यू का इफेक्ट होगा, और इस पूरे में स्मॉल क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज है, तो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू का इफेक्ट आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, इसका मतलब जो वोल्टेज अप्लाइड हुई है काउंटर पर वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज अप्लाइड कितनी हुई है काउंटर पर इस वक्त जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है? तो वोल्टेज अप्लाइड टू द काउंटर क्या होगी? वोल्टेज अप्लाइड टू द काउंटर विल बी नाउ वी इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेशन करना होगा फॉर द होल रेडियस, टोटल रेडियस के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल जो कन्फिग्रेशन लिमिट है हमारे पास वो क्या होगी? फ्रॉम ए टू आर नोट होगी, किसके लिए? फॉर द इनसाइड फील्ड, इनसाइड फील्ड हमारे पास होगा, एंड फॉर द आउटसाइड फील्ड दिस इज द पोटेंशियल अप्लाइड टू द काउंटर। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पुट करके, अगर हम यहाँ पर पुट कर दें ए टू आर नोट इवन डी आर की वैल्यू क्यू बाई 2πε r इंटू डी आर प्लस आर नोट टू बी क्यू प्लस क्यू 2πε r इंटू डी आर। तो अगर आप इसको टू क्यू बाई 2πε यहाँ से कॉमन आ जाता है, क्यू प्लस क्यू अपन 2πε यहाँ से, तो यहाँ से जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो वोल्टेज अप्लाई टू द काउंटर यहाँ से हमारे पास आ जाती है क्यू पाए 2πε नेचुरल लॉग बी अपॉन ए, एंड क्यू बाय 2πε नेचुरल लॉग बी बाय आर नोट, क्योंकि स्मॉल क्यू की ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें ए से आर नोट में मिलती है, और स्मॉल क्यू हमें आर नोट से बी मिलता है। जब हम लिमिट पुट कर देते हैं तो बी बाय ए हमारे पास यहाँ पर फैक्टर बच जाता है। तो इससे हम स्मॉल चार्ज की वैल्यू, जो चार्ज सेंट्रल वायर पर कलेक्ट हुआ है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे अपने की पल्स हाइट कितनी है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से? 2πε log e b upon a v माइनस क्यू बाय 2πε log e b upon आर नोट, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास चार्ज कलेक्टेड ऑन द सेंट्रल वायर, या चार्ज फ्लोज थ्रू द सेंट्रल वायर। इसमें आप देख सकते हैं, अगर नेगेटिव टर्म हमारे पास ये है, अगर इस नेगेटिव टर्म में रेडियस इंक्रीज होता है आर नोट, अगर रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस कैसे इंक्रीज होगा? जब पॉजिटिव आयन शीट कैथोड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि देखिए ये है हमारे पास कैथोड, ये है हमारे पास पॉजिटिव आयन शीट, और ये है सेंट्रल वायर, आर नोट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर ये पॉजिटिव आयन शीट
कैथोड की तरफ मूव कर जाती है तो ऑब्वियसली मान लीजिए ये यहाँ पहुँच जाते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये जो आर नोट है इंक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव आयन शीत धीरे धीरे बढ़ रही है कैथोड की तरफ। इसको टाइम कितना लगता है, 10^-4 सेकंड के टाइम में ये कैथोड पर पहुँचती है, लगभग 10^-4 सेकंड में। तो तब तक जो एक्शन इफेक्ट होता है वो क्या है कि उसमें आर नोट इंक्रीज होता जाएगा। आर नोट अगर बढ़ेगा तो ये वाला जो नेगेटिव फैक्टर है डिक्रीज होगा। नेगेटिव फैक्टर अगर डिक्रीज होगा तो क्यू की वैल्यूज बढ़ेगी। नेगेटिव फैक्टर अगर आर नोट बढ़ गया तो ये नेगेटिव फैक्टर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो ये क्यू की वैल्यू है बढ़ेगी, मीन्स कि जो इवन है वो रिड्यूस होगा, इवन घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज रीजन से दूर होते चले जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो इवन तो घट जाएगा लेकिन आर नोट के इंक्रीज होने से उसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जो एनोड वायर की जो क्यू है वो इंक्रीज वैल्यू देगा, क्योंकि उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है एनोड वायर का फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अभी उसका फील्ड स्ट्रेंथ कम है, इवन तो किसकी फील्ड स्ट्रेंथ है, हमने इनसाइड फील्ड की निकाली कि मतलब पॉजिटिव आयन के इनसाइड में देखिए, इवन तो हमने कैलकुलेट किया कि ये तो हमारा सेंट्रल वायर है और इवन है हमारा ये कि सेंट्रल वायर से पॉजिटिव आयन शीट का इवन कितना है। और ये जो हम फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल वायर की। जब तक सेंट्रल वायर के आसपास, सेंट्रल वायर पर इलेक्ट्रॉन तो आ चुके हैं पर उसके नज़दीक अभी क्या बनी हुई है, एक पॉजिटिव आयन शीत बनी हुई है। जब तक ये पॉजिटिव आयन शीत के सेंटर पर रहेगा, पॉजिटिव आयन शीत के नज़दीक रहेगा सेंट्रल वायर, तो इसकी अपनी पोटेंशियल, इसकी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो अपनी स्ट्रेंथ इसकी कब इंक्रीज होगी, जब इसका चार्ज क्यू बढ़ेगा, या यूँ कहें इस एक्सप्रेशन में जब आर नोट इंक्रीज होगा, पॉजिटिव आयन शीत इससे दूर जाएगी तो जो इसका क्यू है वो इंक्रीज होगा और उसका फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यहाँ तक ये इफेक्ट आपको समझ में आ गया। इससे आगे देखिए आगे का प्रोसेस, जो गीगर रीजन है वो किस तरह से बनेगा, इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो हमने कहाँ तक पढ़ा कि सेंट्रल वायर की जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, स्ट्रेंथ गेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू जैसे जैसे पॉजिटिव आयन शीत इससे दूर जाएगी। पॉजिटिव आयन शीत मूव अवे फ्रॉम इट, मूव जब पॉजिटिव आयन शीत जब 10^-7 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है कैथोड से, तो इसको क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज बहुत हाई है, ड्यू टू एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, ड्यू टू एक्सटर्नल वोल्टेज। तो ये हाई पोटेंशियल पर है, इस वक्त इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या करती है, कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन जमा है, कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन जमा है उनको ये रिमूव कर देती है और अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन शीत है और इलेक्ट्रॉन जो कैथोड पर हैं उनको ये अपनी तरफ खींच लेगी। जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है तो ये क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देगी और वो जो इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूट्रलाइज हुए हैं, मान लीजिए वो इतने मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे कम्स टू द एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज किया जो कि कैथोड पर थे, लिबरेट थे कैथोड पर, और वैसे ही क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब जब ये मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में आए हैं तो ग्राउंड स्टेट में भी वापस जरूर आएंगे, और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो रेडिएशन को एमिट करेंगे और वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट होगी, और जब इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इंसिडेंट होगा कैथोड मेटल पर, कॉपर मेटल पर, तो कॉपर मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा और वो फोटो इलेक्ट्रॉन अब एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण निकलते ही वो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड की तरफ
मूव करना शुरू करेंगे। और जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो अभी जो गैस मॉलिक्यूल्स, स्टिल गैस मॉलिक्यूल्स आर हियर, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसमें उन गैस मॉलिक्यूल्स के साथ इन फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कोलिजन होगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड ने छोड़े हैं ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और दे कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। और जब वो इन गैस मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड होंगे तो अगेन ये जो एटम्स हैं इनसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुए फोटो इलेक्ट्रॉन और इन्होंने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रिलीज होंगे अगेन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर पर तेजी से मूव कर जाएंगे, पर पॉजिटिव आयन जो जनरेट हुए हैं अगेन वो एक स्पेस चार्ज रीजन की तरह यहाँ पर एक लेयर प्रोड्यूस कर लेंगे पॉजिटिव आयन की और वो धीरे धीरे मूव करेंगे कैथोड की तरफ। तो अगेन वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे कैथोड पर पहुँचेंगे। जब तक वो कैथोड पर पहुँचेंगे तब तक एनोड ने अपनी जो पोटेंशियल है वो जीरो से मैक्सिमम कर लेनी है, एनोड का जो चार्ज है वो जीरो से मैक्सिमम हो जाएगा। कि जब जैसे जैसे वो कैथोड पर जाकर कैथोड की तरफ जाएंगे 10^-7 सेंटीमीटर दूर से और इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और एनोड पर चार्ज इंक्रीज होगा तो फिर से एक पल्स हमें आउटपुट पर मिलेगी, करंट पास होगा एक्सटर्नल सर्किट में एंड वी गेट द पल्स। तो इट मीन्स क्या है कि पल्स कब कब बनी, पल्स का ब्रेक हमें दिखाई दे गया यहाँ पर, कैसे दिखाई दिया कि भाई कैथोड पर पॉजिटिव आयन शीत जा रही है और वो टाइम ले रही है कैथोड पर पहुँचने में। जब तक वो कैथोड के नज़दीक नहीं जाएगी तब तक जो एनोड वायर है उस पर इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो नहीं होंगे। जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन एनर्जी के कारण एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के कारण बाहर आ जाएंगे उनके कारण पल्स भी छोटी छोटी सी बनेगी, ज़्यादा हाइट की नहीं बनेगी। लेकिन मतलब जो मैक्सिमम चार्ज एनोड वायर पर जो जमा होगा वो इस पॉजिटिव आयन शीट के कैथोड के नज़दीक पहुँचने पर होगा, क्योंकि जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे एनोड वायर पर और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के पहुँचने के बाद जो अमाउंट ऑफ चार्ज है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो हैंस करंट भी बढ़ेगा और जो एक पल्स है वो एम्पलीफाइड पल्स हमें आउटपुट पर मिलेगी। तो मीन्स पहले 10^-4 सेकेंड तक इंतजार होगा, 10^-4 सेकेंड पर एक पल्स मिल गई। उसके बाद क्या होगा कि अब दोबारे प्रोसेस होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन शीत बनेंगे और फिर से जो ये पल्स हैं फिर एक बार फिर मिलेगी, फिर ये प्रोसेस वेट करेगा पॉजिटिव आयन शीत के कैथोड तक पहुंचने का और फिर एक पल्स मिल जाएगी। तो ये जो बीच का टाइम होगा दिस इज नोन एज द डेड टाइम और ये अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोसेकेंड का होगा। तो 200 माइक्रोन सेकंड के लिए हर बार डेड टाइम मिलेगा पल्सेस के बीच में और ये जो पल्सेस हैं ये पल्सेस एम्पलीफाइड पल्सेस होंगी एंड दिस टाइम इज नोन एज द डेड टाइम। जब सेकंड आयनाइज फर्स्ट आयनाइजिंग इवेंट हुआ, जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मिले पल्स मिली, सेकंड आयनाइजिंग इवेंट हुआ, फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप है दैट इज नोन एज द डेड टाइम ऑफ द काउंटर। ऐसा जैसे कि मैंने बताया स्पेस चार्ज अगेन कैथोड की तरफ मूव करेगा, थर्ड आयनाइजेशन इवेंट होगा अगेन हमें डेड टाइम मिलेगा। और टाइम ड्यूरिंग विच पल्सेस ऑफ रिड्यूस साइज, यहाँ पर कुछ पल्सेस हमें रिड्यूस साइज की मिल सकती हैं बीच में, रिड्यूस साइज क्योंकि कुछ जो एनोड वायर पर थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रॉन जमा होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन के पहुँचने से पहले वो एक्सटर्नल सर्किट में आएगा, उसकी वजह से हमें रिड्यूस्ड पल्सेस बीच बीच में मिलती रहेंगी। तो टाइम जब हमें रिड्यूस्ड पल्स मिलती हैं वो उस टाइम को रिकवरी टाइम कहते हैं, दैट टाइम इज नोन एज रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम और डेड टाइम
डेड टाइम प्लस में रिकवरी टाइम, मतलब कि यहाँ पर ये प्रोसीजर है एक बार तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, मैक्सिमम पल्स मिल गई, तो इस मेन टाइम में यहाँ पर कुछ टाइम डेड टाइम का बना और कि बिल्कुल ही पल्स नहीं है, कुछ जो है स्मॉल पल्स का बना, रिड्यूस्ड एम्पलीफाइड, मतलब जिसका जो एम्पलीट्यूड था बहुत ज़्यादा कम था। देखिए हमारे पास फर्स्ट पल्स आई, फर्स्ट एम्पलीफाइड पल्स आ गई, इलेक्ट्रॉन जो एनोड वायर पर था एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करके, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें रह भी जाए क्योंकि ओवरलैपिंग इंटरवल्स हमें मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग इंटरवल्स। चलिए हमने एक मिनट के लिए मान लिया कि यहाँ तक आने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने मैक्सिमम अपने जो जीरो कर लिया यहाँ पर, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सभी बाहर आ गए, तो हमें इतने टाइम के लिए डेड टाइम मिल गया। फिर इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैपिंग इंटरवल्स, मतलब कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कुछ और एनोड वायर की तरफ आए हैं, उनमें से कुछ फ्लो कर जाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि जब पॉजिटिव आयनशील कैथोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त सेंट्रल वायर पर जो हैं वो बाहर आएंगे, पर उनके कारण जो रिड्यूस पल्स हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो रिड्यूस पल्स जब हमें मिलती है तो ये तो होता है रिकवरी टाइम, मतलब कि रिकवर कर रही है पल्स अपने आप को कि वो कब बड़ी हो, और ये टाइम हो गया डेड टाइम जब पल्स बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। तो डेड टाइम प्लस में रिकवरी टाइम, जिसके बाद कि हमें अगेन सेकंड एम्पलीफाइड पल्स मिल जाती है, दैट टाइम इज नोन एज द रिजोल्विंग टाइम ऑफ द काउंटर। दिस टाइम इज नोन एज रिजोल्विंग टाइम ऑफ काउंटर, रिजोल्विंग टाइम काउंटर का वो कहलाएगा। एंड जो ये रिकवरी टाइम है ये उतना ही टाइम का होगा जितना कि हमारा पॉजिटिव आयनाइज्ड कैथोड तक पहुंचने में लेगी। तो हाई काउंटिंग रेट रिड्यूस हो जाएंगे अगर आपने सप्लाई पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया तो, एंड सप्लाई पोटेंशियल को डिक्रीज करने पर अगर काउंटिंग रेट डिक्रीज होते हैं पोटेंशियल सप्लाई करने पर, इन डेफिनेट टाइम इंटरवल को, उन डेफिनेट टाइम इंटरवल को पैरालिसिस टाइम कहते हैं, दैट टाइम इंटरवल आर नोन एज पैरालिसिस टाइम। मैं आपको यहाँ से डायग्राम से थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि ये चैम्बर, ये सेंट्रल वायर, डेड टाइम और रिकवरी टाइम के लिए स्मॉल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये पॉजिटिव आयन शीट जो है इस तरफ मूव कर रही है, इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, तो उस दौरान जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इनकी फील्ड पोटेंशियल कम है क्योंकि पॉजिटिव आयन शीट के नज़दीक हैं, पर अप्लाइड वोल्टेज इसके पास होने के कारण क्या होगा कि कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में आएंगे जिसके कारण हमें रिड्यूस्ड पल्स मिल जाएगी, रिड्यूस पल्स हमें मिल जाएगी। तो एक टाइम तो ऐसा हो, जब पॉजिटिव आयन शीट बिल्कुल इसके नज़दीक होती है उस टाइम का टाइम हमारे पास डेड टाइम होगा, और जब पॉजिटिव आयन शीट इससे दूर मूव करे तो उस दौरान हमें रिड्यूस साइज की जो पल्स हैं वो मिलेंगी, एंड जब हमें रिड्यूस साइज की पल्सेस मिलेंगी तो उस टाइम को रिजोल्विंग टाइम कहेंगे और सॉरी रिकवरी टाइम कहेंगे, और इसको डेड टाइम, एंड डेड टाइम प्लस रिकवरी टाइम जिसके बाद कि हमें पल्स मिलनी है एम्पलीफाइड की, पॉजिटिव आयन शीट जब कैथोड के नज़दीक पहुंच चुकी है तो एम्पलीफाइड पल्स मिलेगी, तो ये जो टाइम है रिकवरी टाइम प्लस डेड टाइम, दिस इज नोन एज रिजोल्विंग टाइम। दिस इज द ग्राफ फॉर पल्स फॉर्मेशन एंड डीके, दिस इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज, उसके बाद क्या है पल्स जो है वो डिक्रीज होती होती बिल्कुल जीरो हो गई है, डेड टाइम है, एंड देन अगेन पल्स ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया, दिस इज़ द रिकवरी टाइम।